हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज के बैक नेक का डिज़ाइन बताऊंगी। उसके लिए मैंने एक के बैक का पीस लिया हुआ है और इसको बिल्कुल सेंटर से मैंने फोल्ड किया। अब मैं यहाँ पे नेक के विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ। नेक के विड्थ मैं लगभग 2.5 इंच करीब ले रही हूँ और यहाँ पर इसको हल्का सा कट करके यहाँ पे इसका निशान लगा लेते हैं। अब मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 12 इंच और जिसकी लंबाई है 12.5 इंच। अब इसको जो हमने 12 इंच की चौड़ाई ली थी वहां से बिल्कुल सेंटर से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब मैं इसमें मार्किंग करूंगी। मार्किंग के लिए हमने जो नेक की विड्थ ली थी वो लगभग 2.5 इंच करीब ली थी, तो 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और बैक की डीपनेस, नेक की डीपनेस जो है वो मैं यहाँ पर 9 इंच की ले रही हूँ। अब यहाँ पर से भी मैं 2.5 इंच पे ही निशान लगाई हूँ, जो हमने बैक का नेक लिया था। तो इस तरह से निशान लगा के हमें यहाँ पर इसको हल्का सा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, बॉक्स बना देना है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर को 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस पॉइंट से बाहर को भी मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब ये जो बाहर वाला पॉइंट है इसको हमें यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड के यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो टॉप में पॉइंट है इसको यहाँ नीचे पे हल्का सा कर्व देते हुए, हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए हल्का सा घुमाव होना चाहिए इसमें और यहाँ पर ऊपर मिला देना है। अब यहाँ हमें गले के निशान से 1/2 इंच दूरी पे से निशान लगाना स्टार्ट करना है और नीचे को इसकी चौड़ाई बढ़ाते जानी है इस तरह से। कॉर्नर में रुक जाने के बाद यहाँ पर से हमें थोड़ा सा घुमाव देते हुए इस तरह से यहाँ फोल्डेड साइड में ज्वाइन कर देना है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ इस तरह से। देखिए घुमाव देते हुए हमें इसको ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर से नीचे पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ एक, और जो 2.5 इंच का सेंटर आएगा यहाँ पर, ये देखिए इसके सेंटर से साइड को मैं यहाँ पर लगभग 1.25 इंच पे निशान लगाया। अब हमें इन पॉइंट्स को यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब इसकी कटिंग से पहले मैं इसको इस तरह से पिन से अटैच कर ले रही हूँ ताकि कटिंग के टाइम पे ये हिले ना। और अब हमें इसको कट करना है, जो ब्लैक वाली लाइन है उसको ही हमें सिर्फ कट करना है। तो इस तरह से आप इसको कट कर दें। यहाँ पर कटिंग के टाइम पे ये बात का ध्यान दीजिए कि ये नीचे वाला पोर्शन को अलग नहीं करना है हमने, तो थोड़ा सा दूरी पे ही हमें इसको कट को रोक देना है। अब ओपन करने के बाद ये देखिए हमारे गले की कटिंग पूरी हो चुकी है। मैंने एक कपड़े का टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई 14.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 13 इंच है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेक हमने बुकरम का नेक कट किया था उसको बिल्कुल यहाँ पर इसके सेंटर में रख देना है। अगर आपका बुकरम पेस्टिंग वाला है, यानी कि जो प्रेस से चिपक जाता है वो वाला बुकरम है, तो आप इसमें प्रेस कर दें। नहीं तो अगर सिंपल है तो आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। और बुकरम की साइड में इतनी जगह होनी चाहिए कि हम इसको फोल्ड कर दें। अब आप ये देख सकते हैं मैंने बुकरम को कपड़े में चिपका दिया है और अब बिल्कुल हमें इसका सेंटर लेना है। इस तरह से आप सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगा लें। चिपकाने से पहले इस बात का ध्यान दें कि जो नेक की विड्थ है वो जो हमने 2.5 इंच ली थी वो उतना ही होना चाहिए, नहीं तो आपके गले की चौड़ाई कम हो जाएगी। अब यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें बुकरम के बाहर पे कट करना है। ये जो हमने नेक बनाया था इसके बाहर पे हमें कट करना है। तो इस तरह से इस पूरे को आप कट कर दें। ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि ये कपड़ा आराम से फोल्ड हो जाए। यहाँ कॉर्नर में थोड़ा सा बड़ा वाला कट लगाना है और बाकी जगह छोटे छोटे आप कट लगाएं। अब हमें इसकी साइड्स जो है इसको फोल्ड करना है, तो आप इस तरह से करके यहाँ पे सिलाई लगा लें। इसको पूरे में हमें इसको इस तरह से दबा देना है। आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं, अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो ये मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। ये सिर्फ 18 रुपए का आता है और ये बहुत काम आता है, तो मैं इसमें फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। तो यहाँ कोने पे थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू मैं लगा रही हूँ और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। मैं तो इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका दे रही हूँ, आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं।
अगर आपके पास ग्लू नहीं है, लेकिन ये ग्लू से बहुत अच्छे फिनिशिंग आती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो आप राइट साइड से देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है ग्लू लगाने से, और पूरे में इसी तरह से इसके कॉर्नर्स में ग्लू से चिपका दूंगी। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसके चारों साइड में ग्लू से चिपका दी है, और राइट साइड से भी आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, इसके सारे कॉर्नर्स बहुत अच्छे से निकले हुए हैं। अब मैंने एक ये ब्लाउज का बैक का पार्ट लिया हुआ है, और ये ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं ये ब्लाउज की उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है, और इसके सेंटर पे भी मार्क किया है। अब ये नेक का पीस इसके ऊपर रखना है, जो नेक के पीस की सीधी साइड है वो ब्लाउज के उल्टी तरफ को फेस करते हुए होनी चाहिए, इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए हमें रखना है, और इस पे मैं पिन से इसको अटैच करते रही हूँ ताकि सिलते टाइम ये हिले ना। एक बार पीछे से भी आप चेक कर लें कि इसमें कहीं झोल तो नहीं आया है। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल झोल नहीं आ रखा है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है, सिलाई बिल्कुल यहाँ बुकरम से टच करते हुए हमें लगानी है, इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर से बिल्कुल बुकरम से टच करते हुए हमें इसको सिलना है। इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथ से कपड़े को खींचते रहे ताकि पीछे से झोल ना आ जाए उसमें। और यहाँ कॉर्नर में ध्यान दें कि सुई जो है वो नीचे होनी चाहिए, सुई ऊपर नहीं होनी चाहिए, सुई नीचे होनी चाहिए। फिर इसको उठा के हमने इसको लिफ्ट किया, टर्न किया, और फिर यहाँ पर सिलाई लगाई। यहाँ कॉर्नर पे भी ध्यान दें कि सुई देखिए नीचे है, फिर इसको टर्न किया और इसमें सिलाई लगाई। इस तरह से हमारे जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। अगर सुई ऊपर रहेगी तो वहां पर राउंड शेप आ जाएगा, कोना नहीं निकलेगा। अब आप ये देख सकते हैं इसके पीछे साइड में भी देखिए बिल्कुल झोल नहीं आया है राइट साइड में। ये देखिए पूरा अच्छे फिनिशिंग के साथ ये जुड़ गया है। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमने सिल दिए हैं, और यहाँ पर ये जो नीचे का पोर्शन ये देखिए ये अभी सिला हुआ नहीं है। अब हमें यहाँ पे आधा इंच की जगह छोड़ते हुए, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों कपड़ों को इस तरह से कट कर देना है। ध्यान दें कि आधा इंच का मार्जिन जरूर छोड़े यहाँ पे, को कट करने के बाद यहाँ पे हमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने, कट्स लगाने हैं ताकि ये अच्छे से हमारा फोल्ड हो जाए राइट साइड को। यहाँ पर कॉर्नर में थोड़ा सा बड़ा कट लगाएं, बस ध्यान दें कि सिलाई ना कटे। अब इसको हमें सीधी साइड को फोल्ड कर देना है, राइट साइड की ओर को इस तरह से टर्न कर देना है। इसको राइट साइड को फोल्ड करने के बाद आप इसमें एक बार प्रेस कर लें, प्रेस करने से इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसके जो ओपन साइड है उसको भी हमें सिल देना है पूरे को। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इसकी दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर्स हमें बिल्कुल वैसे ही सुई नीचे करके लिफ्ट करके सिलना है, पूरे में इस तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमने जॉइन कर दिया, इसमें सिलाई लगा दी है। अब मैं इसमें एक ये लेस ले रही हूँ गोल्डन कलर की, और यहाँ पर इसके जो बाहर वाली साइड है यहाँ पर मैं इसमें लेस लगाऊंगी।
ये लेस लगा दी है मैंने, और यहाँ पर आप चाहें तो एक ये बटन लगा सकते हैं।